रेव पार्टी करने और उसमें सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव बुरे फंस गए हैं। रेव पार्टी मामले में अब पुलिस पूछताछ करेगी। अधिकारियों की माने तो अगले हफ्ते एल्विश नोएडा आ सकते हैं। पुलिस ने सांप के जहर, रेव पार्टी, गिरफ्तार किए गए राहुल से इन सब के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर करीब 50 से ज्यादा सवालों की सूची तैयार की है। एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा है कि कोई भी हस्ती कानून से ऊपर नहीं है और इस प्रकरण में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब तक की जांच में पुलिस को कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। एल्विश के अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट को बारीकी से खंगाला जा रहा। नोएडा पुलिस दीपावली के आसपास मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। मामले को लेकर के कमिश्नरेट के शीर्ष अधिकारी ने सोमवार रात 2 बजे तक बैठक की। उसके बाद जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस की कुल 7 टीमें मामले की जांच में लगी हुई है। इनमें सर्विलांस और मैनुअल टीम भी शामिल है। अब सोचने वाली बात यह है कि नोएडा पुलिस ने बीते शुक्रवार को एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ रेव पार्टी आयोजित करने, उसमें सांपों का जहर सप्लाई करने और विदेशी लड़कियां उपलब्ध कराने का केस दर्ज किया था। इसमें से 5 आरोपी अभी न्यायिक रिमांड पर हैं। वही आपको बताते चले कि वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि 5 कोबरा समेत सभी 9 सांपों का सोमवार को डॉक्टरों ने मेडिकल परीक्षण किया। अदालत से मंजूरी मिलने के बाद सभी सांपों को सूरजपुर के जंगल में छोड़ दिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस कौन कौन से प्रश्न एल्विश यादव से पूछेगी। पहला सवाल, आपका राहुल से संपर्क कैसे हुआ? उससे पहली बार आप कहां मिले? क्या राहुल को कॉल सिर्फ सांप और वेनम के लिए करते थे? नोएडा में रेव पार्टी हुई थी या नहीं, इसमें आपकी क्या भूमिका थी? रेव पार्टी में शामिल होने वाली विदेशी लड़कियां कहां से आती थी? दिल्ली, राजस्थान के फार्म हाउसों में रेव पार्टी हुई है, क्या आप उसमें शामिल थे? रेव पार्टी में कौन कौन से लोग आए थे? वीडियो में सांप के साथ दिख रहे अन्य लोग कौन से हैं? क्या ये सभी नशे के लिए जहरीले वेनम का इस्तेमाल करते हैं? वही आपको बता दें कि ये कुछ सवाल हैं जो पुलिस एल्विश यादव से पूछना चाहती है। और बताया जा रहा है कि जब एल्विश यादव नोएडा आ जाएंगे तो पुलिस उन्हें तलब करेगी और इन सभी सवालों के जवाब उनसे पूछेगी।